रहे हैं, which is very strange for me. But वो कुर्सी जो आपके पास खाली है वहां पर, हमने कहा कि we'll get somebody जिनका स्टैचर वीरू पाजी की तरह हो, जिनका मतलब बोलने का अंदाज इनकी तरह हो, जो एक ऐसे इंसान हो who can match him, you know, word for word. तो आइए बुलाते हैं आज स्पेशल गेस्ट, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ऑन द वेरी शो. लेट्स वेलकम हिम आउट. जोरदार तालियां के लिए. अरे मेरे क्या हाल है. जोड़ी थी ये तो वीरू और वीरू की जोड़ी लग रही है यहाँ पर. बैठिए भाई बैठिए. कहा था आपको ना कोई कांटे की टक्कर होगी, कोई आपके बोलने का अंदाज. देखिए वीरू पाजी आपके राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है. मैं इंतजार कर रहा था. इंतजार कर रहे थे कि मेरा कैरेक्टर कब आएगा. सर आ गया. मैंने देखा कपिल पाजी का शो. हाँ जी. मैंने माल आपका करेक्टर करेक्टर लेस करके लाया. आपके करेक्टर को मैंने टोटल करेक्टरलेस कर दिया. थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, पर मेरे को रिसीव करने के लिए नहीं आया. फिर मेरे को लगा कि मैं कोई मैसेज तो हूं नहीं जो मेरे को रिसीव करने के लिए आएगा. तो मैं कहा ऐसे आ जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सुनीत मंत्रा आप दोनों का मैच देखा, बहुत अच्छा लगा. अरे मतलब मैच नहीं, मैच थोड़ा खेलते हैं. मैच नहीं, मैं कपड़े मैच की बात कर रहा हूँ. जहाँ तक कपड़े की बात है, अगर हम कपड़े की बात करें तो मुझे कपड़े से याद आया कि आप बाउंड्री के सहवाग हैं तो मैं लॉन्ड्री का सहवाग. पर हम कैसे मान लें? मानना पड़े. जैसे ये पटक पटक के शॉट मारते हैं, मैं पटक पटक के कपड़े धोता हूँ. वैसे से या जैसे मेरा भी 319 कपड़े एक दिन में धोने का रिकॉर्ड है. मैंने 319 कपड़े धोए हैं. और जैसे ये 319 रन मार चुके हैं, मैं भी उतने ही कपड़े धो चुका हूँ एक दिन में. और सबसे बड़ी बात 94 पे आके ये प्रवाह नहीं करते, नर्वस हुए बिना सिक्सर मार देते हैं सेंचुरी बनाने के लिए. उसी तरह मैं भी पटक पटक के कपड़े धोता हूँ, मैं भी प्रवाह नहीं करता हूँ किसके कपड़े हैं, मलमल है, टेस्ट सेटी है. मैं भी पटक पटक के मारता हूँ. थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि एक दूल्हे की शादी थी, अपने कपड़े लेके आया और मैंने उसके कपड़ों को धोया तो कपड़े फट गए. मैंने परवाह नहीं किया, मैक्सिमम उसने फेरे लिए, लेकिन बहुत खुश हुआ उसको. सुहागरात में आसानी होगी थोड़ी सी. यही बातें करते रहेंगे, थोड़ी मैच की भी बातें करेंगे. मैच की बात करें तो असली सहवाग जो है ये किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटोर है और वहां पे प्रीटी जिंटा है, तो बड़ी आसानी हो जाती है इनको. अगर मैच जीते तो प्रीटी जिंटा इनको हक करती है, अगर हार जाए तो इनके शोल्डर पे सर रख के रोती है. तो जो भी हो बात, मैन ऑफ द मैच यही होते हैं. और सिराज सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मेंटरशिप के बारे में? किस मेंटरशिप के बारे में? अपनी मेंटरशिप के बारे में. मेरी मेंटरशिप चल कर रही है, जब से मैं शो में आया हम लोग हारना शुरू हो गए. आपको लेकिन जियो तंत्रवादन करने का फायदा बड़ा हुआ है. क्या? क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं पंजाब, पंजाब से इतनी फ्लाइटें पकड़ते हैं, आपको रास्ता मुंह जवानी याद हो गया. अब ये पायलट को बता देते हैं कि इंदौर से नहीं भोपाल से निकालो, वही वहां पे पतंगे उड़ रही है. पतंग आ जाए. जैसे आपने अपनी टीम में अगर देखें तो गेल लिया, मैंने कल जाके तेल लिया, हमारी और हमारी लाइट चली गई. लाइट में ना तो गेल दिखता है ना तेल दिखता है, कुछ भी नहीं होता. आप मेंटोर हैं पंजाब की टीम के, उसी तरह से मैं भी मेंटोर हूँ अपने बच्चों की टीम का. सच्ची? हाँ जी. मेंटोर नहीं मतलब कि बेबीसिटर है यार. बेबीसिटर होती है ना वो है. हाँ आप कह सकते हैं कि मैं बेबीसिटर हूँ, क्योंकि मैं कल अपनी बेबी के ऊपर बैठ गया तो मेरी बीवी ने मेरे को बड़ा मारा. बच्चे के ऊपर बैठ गया. और बेबी सिटिंग में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, लेकिन हमारे में एक सिमिलरिटी और भी है. जैसे ये सिटी मार मार के खेलते हैं, बेबी सिटिंग में भी सिटी मार मार के कराना पड़ता है बच्चे को. जी जी. तो ये एक सिमिलरिटी है. और आप ये भी चेक करते हैं, हम भी चेक करते हैं कि ये चेक करते हैं कि स्कोर हुआ कि नहीं हुआ. हम लोग चेक करते हैं कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ. दोनों हम लोग चेक करते हैं, दोनों बेबी सिटिंग में जाते हैं.
देना पड़ेगा। क्रिकेट में अगर देखे तो सेंचुरी लगती है, लेकिन बेबी सिटिंग में पिचकारी लगती है, तो ये भी एक चिंता रखी है। पर सर आप दोनों सही में कितने सिमिलर हैं मालूम करने के लिए थोड़ा एक बार आप दोनों अगर एक छोटा सा वॉक कर जाए हमारे लिए, हमारे दर्शक भी कम से कम देख के पहचाने तो सही। हाँ हो जाए एक बार, वीरेंद्र सहवाग एंड वीरेंद्र सहवाग कंपनी, बजाओ ताले। मतलब नकली विरूपाजी कपड़े धोने वाले और बच्चों को सुलाने वाले, कमाल की बात है। कुछ कह रहे थे आप सभी? मैं कह रहा हूँ असली सिमिलरिटी तब पता चलेगी जब बॉलिंग डाली जाएगी। हाँ, विरूपाजी को भी तब पता चलेगी असली सिमिलरिटी, तब आएगा समझ में कि ऐसे ऐसे 300-400 रन कैसे बना लिए जाते हैं, इतना आसान नहीं है। देखिए क्या फिर भूल के भी हमत कह देना, भूल के भी ये भूल के तो मैं कह दूंगा, भूले में कोई टेंशन नहीं है मेरे को। यहाँ कह दिया खेलना पड़ जाएगा, जो क्वेश्चन आप पूछो मैं करता हूँ बोलिंग आपके लिए। अगर आपका जो क्वेश्चन आया तो बोलिंग करवाते हैं, आज मैच हो ही जाए देखी जाएगी। आइए मोगरी कहाँ से लाएंगे, बैट बॉल फाटा 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 पीछे ऊपर देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर भाई, जस्ट फ्यू डेज टू गो और राजस्थान आरसीबी एसआरएच केकेआर, बहुत ही क्रूशियल मैच फॉर केकेआर और दिल्ली मुंबई अगेन दिल्ली विल दे बी पार्टी स्पॉइलर्स, और आखिरी मैच वहां पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे किंग्स 11 पंजाब। भाई बड़ा मैच, तगड़ा मैच और आखिरी मैच टूर्नामेंट का वीरू पाजी, इस वक्त क्या कहना चाहिए प्लेयर्स को? वन गेम टू गो, सारी टीम्स इवन स्टीवंस हैं, क्या कहेंगे आप प्लेयर्स को इस वक्त? मतलब मैं ये कहूँगा कि नथिंग टू लूज है, जाइए खेलिए बिंदास, 100% एफर्ट मारिए, कोशिश करिए अपनी टीम को जिताने की, वही कह सकते हैं क्योंकि अब लास्ट मैच में कुछ बचा नहीं है, जो कहना था बहुत कुछ कह चुके हम, जो करना था बहुत कुछ कर चुके प्लेयरों के लिए, अब प्लेयरों का टाइम है, उनको परफॉर्म करना है, किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े होना, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, अगर ऐसा हुआ तो टीम जीतती है, नहीं हुआ तो नहीं जीतती। सबसे बेहतरीन शुरुआत टूर्नामेंट में कई सालों बाद किंग्स 11 की, उसके बाद जब कह रहे हैं जब से आप टीम इतना जब होम नहीं कर रही है तो वैसे की नजर लग गई है, लेकिन इससे काफी डिमोटिवेट होते होंगे प्लेयर्स, वापस से हैव टू राइज टू द ओकेजन, तो क्या क्या बोलेंगे इनको? जरूर होते हैं क्योंकि हम लोग लगभग 3 या 4 लगातार मैच आ रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा जो मोरल था टीम का थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आरसीबी भी हारे, मुंबई भी हारे, केकेआर भी हारे, तभी हमारा चांस है कि हम लोग पहुंचे प्लेऑफ तक, बट वो तो शायद हमारे मैच तक पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट मैच हमारा है, बट एक चांस है अभी भी, अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर प्लेयरों में जोश आएगा कि चांस है हमारा क्वालिफाई करने का, तो चेन्नई को हरा सकते हो, क्योंकि पहले चेन्नई को हरा है जी। क्रिस गिल की तूफानी बल्लेबाजी ने, केएल राहुल और करुण नायर इन लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, सो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई अगर आज दिल्ली से जीतेगी तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी, लॉ ऑफ एवरेजेस में हार भी सकती है चेन्नई आखिरी मैच। दोनों को देख रहा हूं, दोनों तैयार है, बड़ी नकल बल्ला भी है, बैट भी है, बॉल भी है, बुलाते हैं आप, लेट्स हैव द कॉन्टेस्ट आउट, लेट्स गेट द बैट बॉल ऑन द शो, सहवाग वर्सेस सहवाग, हाय सर, सहवाग वर्सेस सहवाग, क्या बात है सर, क्या बात, ये लीजिए सर बैट, इज देयर योर बॉल, वीरू वर्सेस वीरू, खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए, हो जाए हो जाए मैच, हो जाए, गिव इट अप, सुनील से इतनी बात करना चाहूंगा कि वो आके यहां पे बैक कीपिंग कर रहा, एक बंदा विकेट बन जाओ, आज विकेट आ जाओ, कभी ना लगनी विकेट पे, चलो यहां खड़ा हूं मैं, आइए चलो भाई, रेडी बैट्समैन रेडी, वीरू रेडी, यस वीरू रेडी, रेडी स्टार्ट, जल्दी डाल दो, मैंने तो कभी ऐसे बॉलिंग की नहीं, बॉल डालनी है, चिंता नहीं करना, अरे जल्दी जल्दी से बैट पकड़ लो, जल्दी से बैट पकड़ लो, पकड़ लो बैट जल्दी से, एक बॉल तो डाली दो, एक बॉल डाली दो, एक बॉल फेंकनी होती है, बॉल समेत नहीं आना होता है, ओह
Unbelievable. क्या पड़ेगी बॉस ऊपर मार दो. Knocks out Veeru on the show. यही होता है सही चीजों का ज्यादा लाइफ में. दिखा दें आपको ये दो टीम कई बार एक दूसरे के साथ खेल चुकी हैं. Here is the head to head situation. Head to head अभी बोल रहे हैं. Because head बचा है किसी का यहाँ पर शो पे. Head to head 5 vs 12. And it's clearly going towards the Chennai Super Kings. और अगर फिरोज शाह कोटला की बात की जाए तो once again looking very much in favor of the Chennai Super Kings. The batsmen are ready on the field. They're ready on the ground. और आपको बता दें कि we'll all be sitting out here watching the game together. I'll be very fortunate to be watching this game with both the Veerus. And we also have Sumit and Mantra going to be on the show joining us also. So you guys go and have loads of fun. Enjoy the game. Also play the Jio, play along and win loads and loads of prizes for yourselves. You can win a house for yourselves and lots of other fun stuff. So we'll see you in the middle of the match, enjoying ourselves, having fun, only on Jio. Done.